और अब बात कोलकाता रेप मर्डर केस की। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज अहम सुनवाई है, आज सुप्रीम कोर्ट में डिटेल रिपोर्ट देगी सीबीआई। आरोपी संजय रॉय का कबूलनामा कोर्ट में बताया जाएगा सीबीआई की तरफ से। आरोपी के बयान और रिक्रिएशन की डिटेल्स भी सीबीआई की तरफ से सौंपी जाएगी। सीबीआई आज चीफ जस्टिस के सामने कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि केस की जांच कहां तक पहुंची, कितने किरदारों के बयान दर्ज किए गए, आरोपी ने पूछताछ में क्या क्या कबूला, फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या निकला, कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों। ऐसे कई सवालों के जवाब कोर्ट को सीबीआई दे सकती है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई थी और सीबीआई को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इधर आरजीकर अस्पताल के चेस्ट विभाग के एचओडी को हटाया गया है। ममता सरकार ने डॉक्टर सुहार्ता पॉल को हटाया। कोलकाता कांड से देश में आक्रोश है। प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आरजीकर अस्पताल की वर्तमान प्रिंसिपल सुहार्ता पॉल को हटा दिया है। इसके अलावा अस्पताल के अधीक्षक और चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने की है। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड बलात्कार मामले की जांच के बीच आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से भी हटा दिया गया है।